दोस्तों आजकल आईपीएल क्रिकेट का माहौल जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला बैट बॉल स्टंप और पूरी क्रिकेट किट को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अब आपने अब तक क्रिकेट बॉल और क्रिकेट के बैट को बनते हुए तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो इनका इस्तेमाल जरूर किया होगा, या नहीं किया होगा तो देखा तो होगा ही ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस मजेदार क्रिकेट स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। जब गेंदबाज 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंक रहा हो तो बैट्समैन के अंदर एक डर होता है। अब इतनी भारी बॉल अगर उसको आकर लग गई तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, और खासकर अगर पैर पर लगी तो समझिए करियर खत्म। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इन चमचमाते सफेद कलर के क्रिकेट पैड्स की। अब गेंद चाहे स्पीड में हो, ये क्रिकेट पैड पैरों को हमेशा बचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इन क्रिकेट पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। आप देखेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल तरीके से क्रिकेट पैड्स को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, जिसे देखकर आपका भी बचपन तरोताजा हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं इस फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले क्रिकेट पैड्स का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। कुछ इस तरह से कॉटन के कपड़ों के ऊपर क्रिकेट पैड्स के पार्ट को ड्रॉ किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्रिकेट पैड के ऊपरी हिस्से से लेकर उसके निचले हिस्से को ड्रॉ किया जा रहा है। अब इसके बाद जब सारे हिस्से ड्रॉ हो जाते हैं, तब इन्हें इस सिलाई मशीन के पास भी जाकर कॉटन के साथ आपस में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्रिकेट पैड्स के ऊपरी हिस्से पर काम किया जा रहा है, और सिलाई होने के बाद इनके अंदर एक खास किस्म का मटेरियल डाला जाता है जो प्रोटेक्शन में काम आता है। अब क्रिकेट पैड्स के नीचे वाले हिस्से पर काम किया जाता है, और यहाँ पर भी सिलाई मशीन के जरिए ही इस कॉटन के ऊपर इस खास किस्म के मटेरियल को सीला जा रहा होता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को बनाने की बात जब आती है, तब क्रिकेट पैड्स बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, और ये सबसे मुश्किल काम माना जाता है। ज्यादातर पैड्स हाथों से बनाए जाते हैं, और इनमें मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। अब यहाँ पर सिलाई हो चुकी होती है और मटेरियल आपस में जुड़ चुका होता है। बाद में इसके अंदर हाथ डालकर इसे सीधा कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से इन क्रिकेट पैड्स के बीच में जो लाइंस ड्रॉ करी जाती है, उसके ऊपर भी सिलाई का काम किया जाता है। बाद में इसके ऊपर वाले हिस्से को भी आपस में जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स को डाला जा रहा है, जिससे ये क्रिकेट पैड्स अंदर से पूरा भर जाता है। अब आप यहाँ पर थर्मोकोल की स्ट्रिप्स को देख रहे होंगे, यही वो स्ट्रिप होती है जो वर्टिकल लाइंस की तरह दिखाई देती है। इन्हें इसके अंदर अच्छे से कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है, और ये भी एक तरह का फीलिंग का ही काम करती है, जो बॉल की रफ्तार को बिल्कुल सोख लेती है, जिसे आपके पैरों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। कई जगहों पर क्रिकेट पैड्स के अंदर खास किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो इतनी मजबूत होती है कि इसे कितना भी मोड़ लीजिए वो नहीं टूटने वाली। जी हाँ, अंत में इसे फाइनल टच दिया जाता है और पूरी तरीके से चारों तरफ से सील कर दिया जाता है। अब हो गया ना ये एकदम मजबूत। जी हाँ, अब ये चमचमाते क्रिकेट पैड्स तो देखिए बनकर हो चुके हैं तैयार। चलिए अब इसी तरह के एक और क्रिकेट किट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपको हम रूबरू कराते हैं। दोस्तों अब हम आप देखेंगे कि क्रिकेट ग्लव्स को कैसे बनाया जाता है। देखिए इसे बनाने का काम भी हाथों से ही किया जाता है, और क्रिकेट पैड्स की तरह ही इन्हें बनाने के लिए अच्छा खासा समय लगता है। सबसे पहले ग्लव्स के ढांचे को तैयार किया जाता है, और उसके लिए इस तरह के मटेरियल को पीसेस में काट कर आपस में सिलाई मशीन की मदद से इस तरह से सीला जाता है। अभी इन्हें आपस में जोड़ा जाता है, और फिर ये ढांचा इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब अभी तो ये बिल्कुल मामूली सा लग रहा है, अब इसके अंदर फीलिंग करी जाएगी, और जिसके लिए यहाँ मौजूद ये कॉटन को इसके अंदर डाला जाता है। अच्छी तरह से इस कॉटन को इसमें भरा जाता है। अब यहाँ पर अभी ये पूरी तरीके से फूल चुके होते हैं, और अब इसके अंदर बाकी के मटेरियल को भी भर दिया जाता है, जैसे कि थर्मोकोल। उंगलियों की जगह पर इन्हें लगाया जाता है, और निचले हिस्से में भी जहाँ पर ये जगह बनाई होती है इसके अंदर भी थर्मोकोल को डाल दिया जाता है। अब अच्छे से फूल चुके ये ग्लव्स मस्त तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब इन्हें यहाँ से मार्केट में दुकानों और तमाम क्रिकेटरों के पास में भेज दिया जाता है। कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने मनपसंद ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए वह अपनी मर्जी का ग्लव्स तैयार भी करवाते हैं। जी हाँ, अब चलिए
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही एक और क्रिकेट इक्विपमेंट के दर्शन करवा देते हैं। अब आपने क्रिकेट पैड्स को बनते हुए देख लिया जो आपके पैरों को बचाते हैं, पर खतरा सिर्फ आपके पैरों को नहीं होता है जनाब, बल्कि आपकी थाई को तो भी होता है ना। और इसे बचाने के लिए प्लेयर्स अक्सर थाई गार्ड लगाते हैं। तो चलिए हम आपको इन थाई गार्ड को कैसे बनाया जाता है इसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। इसे बनाने का काम भी पूरी तरीके से हाथों से ही किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद थर्मोकोल पर थाई गार्ड के शेप का मेजरमेंट लेकर इसे काट लिया जाता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मजबूत थर्मोकोल को इस तरीके से चिपकाया जाता है। इस तरीके से इसे आगे और पीछे छोड़ दिया जाता है। अब इसकी साइड में स्ट्रिप्स को लगाया जाता है जिसकी मदद से आप इन थाई गार्ड को आपस में बांधते हैं। अब ये थाई गार्ड आपस में जुड़ चुके होते हैं और इसे जोड़ने के लिए कुछ इस तरह के कपड़ों को चारों तरफ चिपकाया जाता है। अंत में ये बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हो जाते हैं और इसे आप इस तरीके से अपने थाई के ऊपर लगाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और चीज मौजूद होती है जिसका नाम होता है चेस्ट गार्ड। क्या होता है कि कभी कभी गेंदबाज का माथा जाता है सनक और वह आपकी छाती तक बाउंसर ही बाउंसर एकदम देने लगता है। अब इस खूंखार बाउंसर से बचने के लिए भैया बैट्समैन अपने आप को चेस्ट गार्ड से कवर करता है। तो आइए देखते हैं कि इन चेस्ट गार्ड को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड पर मेजरमेंट करके इसे अच्छे से काट लिया जाता है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर थर्मोकोल का फॉर्म लगाया जाता है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले थर्मोकोल के ऊपर इस कार्डबोर्ड को रखकर चारों तरफ से पेंसिल की मदद से इसके आकार को काट लिया जाता है। अब इसके ऊपर ग्लू लगाकर थर्मोकोल को अच्छी तरह से चिपकाया जाता है। अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ये और फाइनल टेस्ट के लिए तैयार है। इसके चारों तरफ से स्ट्रिप्स लगा दी जाती है जिसकी मदद से आप इन्हें पहन लेते हैं। बस लीजिए फटाफट आपका चेस्ट गार्ड बनकर हो चुका है तैयार। अब अगर बात बाउंसर की हो रही है तो इससे निपटने के लिए प्लेयर अपने माथे पर हेलमेट का भी तो इस्तेमाल करेगा ना। अब यह मजबूत हेलमेट आपके सर को 150 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद से बचाते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में इन हेलमेट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्लास्टिक के टुकड़ों को डाला जाता है और ये मशीन अपने आप हेलमेट को बनाकर निकाल देती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेलमेट कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। अब इन हेलमेट के अंदर छेद किए जाने वाले हैं। इस काम को कुछ इस तरह से करा जाता है। अब यहाँ पर मौजूद ये ड्रिलिंग मशीन एक एक करके इन हेलमेट के अंदर जगह जगह पर छेद करती रहती है। अब इसके आगे वाले हिस्से के ऊपर कपड़े को लगाकर कवर किया जाता है और बाद में इसके पूरे हिस्से पर कपड़े को लगा दिया जाता है। हेलमेट के बीचों बीच में छेद करके इसके अंदर कुछ इस तरह से पिन को लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने छेद करे होते हैं इसके अंदर इस तरह के मटेरियल को डालकर कवर किया जाता है और अब हेलमेट के अंदर ग्लू लगाया जाता है और फिर इस तरह के मजबूत मटेरियल को इसमें फिट किया जाता है। अब बाद में इसे फाइनल टच दिया जाता है और बाकी के हिस्सों को जोड़कर इसे तैयार कर दिया जाता है। अब अभी तक हमने देखा कि हेलमेट के ऊपरी हिस्से को कैसे बनाया जाता है। अब हेलमेट में मौजूद ग्रिल जो पहले से तैयार कर लिया जाता है जिसकी बॉडी लोहे से बनी होती है उसे लाकर इस हेलमेट के साथ कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाता है और अब ये मजबूत हेलमेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है। इसे यहाँ से ले जाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है और फिर क्रिकेट प्रेमी इन्हें खरीद कर प्रैक्टिस से लेकर क्रिकेट के मैच में इस्तेमाल करते हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि कैसे पूरी क्रिकेट किट को फैक्ट्री में कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।